हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ विशेष पार्ट में पढ़ूंगा, है ना। उसके बारे में कुछ मैं डिस्कस मैं करूंगा आपके साथ। तो आप लोग हेडिंग ला लेंगे टाइम एंड वर्क। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे टाइम एंड वर्क। आज मुझे इस टाइम एंड वर्क में कुछ विशेष पार्ट के बारे में मुझे चर्चा करना है, है ना। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, जिससे आपको एक तरह के कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे क्वेश्चन ये बनकर आपके साथ आता है, यदि यदि चार आदमी या छह लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो दो आदमी तथा पांच लड़के एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पर ध्यान देंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपके बोर्ड पर, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है, एक तरह हम लोग कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों को बनाने का अपना अपना तरीका है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल समय देना नहीं है, बिल्कुल इसको आसान करना है। तो वही आसान करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो में बने रहने के लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे। बने रहने का मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, ताकि आपको एक कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपको वेल मतलब कंसेप्ट आपको होगा, ठीक है ना। उसके माध्यम से आप बिना कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को आसानी से आप निकाल सकते हैं। मतलब ये कहने का मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चार आदमी का मतलब मैं या छह लड़के किसी काम को यहाँ पे 12 दिनों में कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले, इससे पहले एक चर्चा मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनकर आता है, कॉन्सेप्ट बनकर आता है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। M1 D1 T1 by W1 इजकल टू M2 D2 T2 by W2। अगर मैं एक फॉर्मेट बना है, ये फॉर्मेट को मैं पहले समझा देता हूँ, क्योंकि इसी पर आधारित ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। आज एक विशेष टॉपिक के बारे में मुझे चर्चा करना है, टॉपिक का मतलब पार्ट, यानी कि टाइम एंड वर्क का एक पार्ट के बारे में चर्चा करना है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं क्वेश्चन के बारे में, इसी जो टाइप जो दिया हुआ है, इसी टाइप के बारे में विशेष रूप से मुझे चर्चा करना है। भाई होता क्या है, बच्चे क्या समझ कर इसको बनाते हैं, क्या क्या समझ लेते हैं, इन सारी बातों के बारे में विशेष रूप से मुझे चर्चा करना है। जैसे M1 का मतलब होता है मेम्बर हो गया, मेम्बर में बहुत सारे मेम्बर आते हैं, आदमी भी काम पर आते हैं, औरत भी काम पर आती है, बच्चे भी काम पर आते हैं। अगर कोई कहे कि M4 क्या, तो M का मतलब मेल नहीं कहेंगे, आदमी नहीं कहेंगे, M का मतलब मेंबर। कितने मेंबर में बहुत सारे मेंबर आ गए, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, मैन भी आ सकते हैं, वुमेन भी आ सकते हैं, बॉय भी आ सकते हैं, इस तरह से कैसे होंगे। तो M का मतलब मेंबर, कितने दिन कितने घंटे में कितना काम किया, यहाँ पर आ गया वर्ड। और जितना काम ये होगा, पार्ट होगा, उतना ही काम इधर भी होगा। उतना ही काम का मतलब है कि अब कितने मेंबर आएंगे, अब कितने दिन कितने घंटे में कितना काम किए, ये पार्ट हो गया। इसका काम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वैसे ही स्थिति में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, तो क्या लिखेंगे, M1 D1
T1 W2 बराबर M2 D2 और T2 और W1 क्रॉस मल्टीपल होगा। तो क्रॉस मल्टीपल होने का मतलब है कि M1 D1 T1 W2 बराबर M2 D2 T2 W1, मतलब कितने व्यक्ति कितने दिन कितने घंटे में कितना काम बाकी है वो इधर लिखेंगे, बराबर करेंगे कितने व्यक्ति कितने दिन कितने घंटे में कितना काम पहले हुआ उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ठीक इसका W1 W2 ठीक इसका अपोजिट के साथ में क्या होगा, मल्टीपल के फॉर्म हो जाता है। मतलब ये हुआ, मैं बार बार बता रहा हूँ, M1 D1 T1 मतलब कितने व्यक्ति कितने दिन कितने घंटे में कितना काम बाकी है वो ही लिखेंगे, बाकी वाला काम इधर लिखेंगे, और कितने व्यक्ति आए कितने दिन कितने घंटे में कितना पहले काम हुआ उसको लिखेंगे इधर, और दोनों को बराबर करेंगे तो एक एक फॉर्मेट मेरा बन जाता है, और इसी फॉर्मेट का बच्चे लोग एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, मैं बहुत कुछ डेवलप मैं करूँगा जो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, मैं बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट में कर रहा हूँ, तो आपको भी मतलब समझना चाहिए कि भाई क्यों बार बार कर रहे हैं कि वीडियो को में लगे रहना होगा, शुरू से अंत तक देखेंगे काम करेंगे। इसलिए मैं बार बार मैं बोलता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना, शुरू से अंत तक देखेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मतलब कारण से मैं बोल रहा हूं, किसको मैं किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कहाँ पे कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है, कहाँ करना है, इन सारी बातों के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आपको ये पता चल गया होगा M4 क्या M4 मेंबर, मेंबर में बहुत सारे मेंबर होंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं M का मतलब मेल, क्या आदमी ही काम पर आते हैं, औरत काम पर नहीं आती है, क्या लड़के काम पर नहीं आते हैं, वो सब आते हैं, तो M4 क्या होंगे, मेंबर हो जाएंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा, उसी पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन मैं आज विशेष रूप से मैं चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर आदमी औरत बच्चे पर जो क्वेश्चन आते हैं उस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में वो क्वेश्चन बनाइए बताइए, और उसका आसान करने का तरीका भी बताइए। तो वही चीज़ विशेष रूप से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहले तो मैं बेसिक में बताऊँगा, बेसिक बताने के बाद में इसमें एक दो वीडियो में बनाऊँगा, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बनाने की नौबत आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइप्स आते हैं, उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा रहता है, उसमें बढ़ा कर दिया रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ पे बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है। तो इन्हीं पर मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि M 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 12 दिन में, मतलब ये हुआ कि 4 आदमी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर लड़का आएगा तो 6 लड़का उस काम को करेगा 12 दिनों में, मतलब ये समझ गए होंगे कि 4 आदमी काम पर आएगा तो 12 दिनों में कर सकता है, या उसके बदले में 6 लड़का आएगा तब 12 दिन में कर सकता है। अब चलते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब यहां से ले लेते हैं टोटल वर्क। तो 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 6 का एलसीएम कितना हो गया 12 टोटल वर्क। तो 12 काम 12 दिनों में, एक काम कितने दिनों में, तो 12 गुने 12 कर देंगे, 12 दिनों में 12 वर्क हुआ, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 12 गुने 12 लिखेंगे, तो टोटल वर्क की संख्या यहाँ पे निकल लगा। अब यहाँ पे इफिशियंसी की चर्चा करें तो 12 काम है, अगर 4 आदमी काम करता है तो उसकी क्षमता कितना बनकर आएगा 3, अगर 12 काम अगर 6 लड़का मिलकर काम करेगा तो उसकी क्षमता क्या बनकर आएगा 2। इसकी पार्टिकुलर क्षमता निकल गया कैसे, आप जैसे कि मेंबर की संख्या यहाँ पे लड़का की मेंबर है उसकी क्षमता कम है, यानी कि एक दिन एक लड़का 2 क्षमता से काम करता है, तो 6 लड़का आया तो 12 काम किया, तो 12 काम यहाँ पे है। देखिए एक मैन 3 क्षमता से काम करता है, 4 आदमी है तो 4 × 3 = 12 काम हुआ, 12 दिन में हो रहा है, 12 दिन में हो रहा है, तो 12 × 12 करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। काम किन लोगों से कराना है, तो काम इन लोगों से कराना है 2 आदमी, तो 2 आदमी के साथ साथ 2 आदमी के साथ साथ लड़का तो लिख भी नहीं किए, सॉरी भाई यहाँ पे 2 आदमी तथा कुछ ना कुछ तो गलती लिखा जाता है, 2 आदमी तथा, अच्छा सुधार लेते हैं, 2 आदमी तथा 5 लड़का, 5 लड़के एक साथ मिलकर कितने में, तो 2 आदमी तथा 5 लड़का एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में, उस काम को मतलब कौन, जो काम मेरा टोटल है। तो भाई यहाँ पर देख लेंगे तो एक आदमी की क्षमता अगर 3 है और 2 आदमी आया तो 3 × 6, और एक लड़के की क्षमता 2 है तो 5 × 10, और 10 × 6 कितना होगा 16, 16 से भाग कर देंगे, तो 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 16, 4 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 9 दिन में काम हो जाएगा। मतलब है कि ये लोग काम करेगा, ये लोग मिल करके कितने दिन में काम कर लेगा, 9 दिन में काम का समाप्त होगा। ये पार्टिकुलर है, या तो 4 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं,
तो क्वेश्चन में था कि उसी काम को करने के लिए अगर दो आदमी तथा पांच लड़के मिलकर काम कराते हैं, दो आदमी और पांच लड़के से काम को कराते हैं, तो यहाँ पे 12 गुने 12 दिन में हो रहा है, तो 12 गुने 12 टोटल वर्क हो गया 144 में हम 16 से भाग करेंगे, 16 कैसे आया, तो मैंने बता दिया यहाँ पे कि दो आदमी के साथ साथ पांच लड़का काम पर हैं, तो एक आदमी की क्षमता 3 है, तो दो आदमी आया तो 3 दूनी 6 हो गया, और एक लड़का की क्षमता 2 है तो 5 को आया तो 5 दूनी 10 10 6 16 से भाग करेंगे तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका इसे हम लोग दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं, ये तो मैंने एक एक नियम से मैंने बता दिया है ना, इसको मैंने क्या किया, एडजस्ट क्या किया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ लिखेंगे M1, अब समझा रहे हैं M1D1 से, M1D1 बराबर M2D2। अच्छा बताइए M1D1 M2D2 मैंने क्या लिखा, M का मतलब मेम्बर का मतलब मैन भी है और बॉय भी है, आदमी भी काम पर है और लड़की भी काम पर है, डी का मतलब है कि दिन भी दिया हुआ है, कितना काम हुआ, कितना भाग काम हुआ उसके बारे में कुछ विशेष चर्चा नहीं किया है, कितना काम हुआ, काम का मतलब वर्क हुआ, वर्क का मतलब है कि जब 1/5 भाग काम हुआ, 1/3 काम हुआ, 2/5 काम हुआ, 1/4 काम हुआ, इस तरह से केसेस दिया रहता है, लेकिन ऐसा तो कुछ मेंशन इस क्वेश्चन में नहीं है, ये सब क्वेश्चन में मेंशन कराएंगे कब, जब आने वाले समय में, मैंने बोला ना कि 2-3 वीडियो में बना सकता हूँ उस पर क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं सारे टाइप के बारे में मैं चर्चा मैं करूँगा कब, जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सीरियसली रूप से देखेंगे तो बहुत मतलब कुछ कंसेप्ट बनकर आएगा आपके दिमाग में, ये सारी बातों के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा मैं करूँगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, एक दिन में तो समझाएंगे तो फिर फास्ट कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए धीरे 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 वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा, आपको पूरी समझ में आएगा और वहाँ पर आप कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, धीरे धीरे मैं समझा करके मैं कलम कॉपी से मैं बिल्कुल अवॉइड में करा दूंगा कि भाई नफरत करना है कलम कॉपी से, और एग्जाम में ऑनलाइन जैसा कैसे बनाना है बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए कैसे बनाना है, इस सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे है ना, देखेंगे विशेष रूप से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे M1, M1 का मतलब है कि सबसे पहले मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई किससे काम कराना है, या तो आदमी से काम करा सकते हैं या तो लड़के से काम करा सकते हैं, किसी एक से काम करा सकते हैं, तो भाई हम आदमी से काम कराएंगे तो आदमी कितने हैं, 4, तो 4 आदमी है तो उसकी क्षमता कितना है, 3 से गुना करेंगे, कितने दिन में किया, तो कितने दिन में किया, 4 आदमी या 6 लड़का किसी काम को 12 दिन में, तो यहाँ 12 से गुना कर देंगे। अब बताइए एम का मतलब आप देखिएगा, अब ये सब काम पर आया तो 2 आदमी 5 लड़के, तो भाई यहाँ पे क्षमता इसका कितना निकला है, 3 क्षमता निकला है, तो 3 दूनी 6, इसका 5 दूनी 10, 10 6 कितना होगा, 16, 16 गुने D2 लिख देंगे, D2 मतलब है कि यही 16 गो मेंबर जो आया वो कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो यहाँ D2 लिख देंगे, D2 बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुने 3 गुने 12/16 कर देंगे, 4 चौके 16 4 3 12 3 3 9, D2 बराबर कितना होगा, 9 दिन हो गया। D2 क्या है कि मतलब अब जो काम जो कराना है 2 आदमी 5 लड़के से, वही D2 मतलब है वो मिल करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो दिनों में समाप्त करेंगे, मतलब D2 के फॉर्म में हो गया। तो ये लागू करने का तरीका हुआ जो मैंने बताया, M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 W2, इस सब क्या होता है, इन सारे बारों के बारे में मैंने चर्चा किया और इसी पर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करके आपको दिखाया कि किस तरह से इसका आंसर आया D2 का मान, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूँ इसका दूसरा रूल, मैं बता रहा हूँ इसको मुझे कैसे बनाना है, दूसरा तरीका, ये पहला तरीका मैंने बताया इफिशियंसी निकालने के बाद में, ठीक है ना, ये सब पहले तरीका मैंने बताया, इसको लिखने के तरीका को मैंने इस तरह से किया, लेकिन है तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड है, तो फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड मेथड की चर्चा करते हैं कि सेकेंड मेथड इसका क्या है, तो सेकेंड मेथड में हम लोग चलते हैं इसका सेकेंड मेथड इसका क्या है। सेकेंड मेथड आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बोला कि कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना, सचमुच में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बस भगवान दिमाग दिए हैं उसका पूरा सदुपयोग कीजिए, पूरा दिमाग आप अपना लगाइए कि मुझे किस तरह से कैलकुलेशन को डेवलप करना है, क्या करना है, सारी बात मैंने कैलकुलेशन के दौरान मैंने बताया था। अगर आपका डिमांड रहा है कि नहीं फिर से कैलकुलेशन का क्लास लीजिए, मैं फिर से क्लास ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ हम आपको नहीं बताएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बता दूंगा, लेकिन आपकी डिमांड तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 4 आदमी या 6 लड़का किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 4 ढेरे 6, या तो हम काम आदमी से करा सकते हैं या तो काम हम लड़के से करा सकते हैं, दोनों में से किसी एक के साथ करा सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको लेना चाहते हैं। अगर हम लड़का से काम कराना चाहते हैं तो 6 लड़का किसी काम को 12 दिनों में, तो 1 लड़का उस काम को 72 दिनों में, मेरी बात समझ रहे हैं, हम अगर लड़के से काम कराएंगे तो 6 लड़का किसी काम को 12 दिन में करता है, या यहाँ करके दिया है तो 6 लड़का किसी काम को 12 दिन में, तो 1 लड़का 72 दिन में, काम मुझे किससे कराना है,
तो दो आदमी के साथ साथ पांच लड़का से काम कराना है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो चार डेरे छः, एक आदमी डेढ़ लड़का, जितना एक आदमी जितना काम करता है उतना काम करने के लिए डेढ़ लड़कों की जरूरत होगा। लड़का की क्षमता कम होने से लड़का ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही, जिसकी क्षमता कम होगा उसकी संख्या बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगा उसकी संख्या कम करेंगे, तभी काम सबके लिए क्या होगा बराबर हो सकता है। तो यानी मैंने बोला चार डेरे छः, तो दो डेरे तीन, तो दो आदमी तीन लड़का के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे पांच लड़का है तो लड़का को लड़का में रहने देंगे। अब पांच तीन आठ से भाग करेंगे, तो आठ से भाग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आठ डेरे बारह, छः डेरे नौ, नौ दिन हो जाएगा। देखिए तो इन लोग काम करेंगे नौ दिन। मैंने आदमी को लड़का में चेंज कर दिया, मैंने जादू से नहीं किया, मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर एकदम क्लियर कर चुका है कि चार आदमी छः लड़के के बराबर है तो एक आदमी डेढ़ हो जाएगा, तो दो आदमी तीन लड़के के बराबर है, तीन लड़का दो आदमी को तीन लड़का के बराबर लिख सकते हैं, पांच लड़का लगा लड़का रहने देंगे, क्योंकि हम आदमी लड़का से काम करा रहे थे, आदमी को लड़का में चेंज करके तब मैंने बताने काम किया। तो तीन पाँच आठ, आठ से भाग करेंगे तो आठ डेरे बारह, छः डेरे नौ, यानी कि ये सब मिलकर के नौ दिनों में काम समाप्त कर सकता है। क्या जबरदस्त है फॉर्मेट है, ये मेरा दूसरा तरीका है। ये वही काम कर सकते हैं जिसको कैलकुलेशन बढ़िया है, वो एकदम बहुत अच्छे से वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी पार्ट को, वो बच्चे बहुत कर सकते हैं। अरे आप तैयारी कर रहे हैं, जब बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, छोड़िए इसको गोली मारिए, मतलब आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि आपको अच्छी तरह से इस पर पकड़ हो, आपकी एक बढ़िया कैलकुलेशन होनी चाहिए, तब आप इस पर हावी हो सकते हैं, अन्यथा वंचित हो जाएंगे, आपके साथ समस्या हो जाएगा। तो तीसरा तरीका के रूप मतलब है रूप में क्या हम लोगों को पढ़ना है, तीसरा तरीका क्या है, इसका तीसरा मेथड क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। तीसरा मेथड भी बहुत लाजवाब है, उसका भी इस्तेमाल बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाने के लिए यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो तीसरा तरीका क्या है, देखिए तीसरा तरीका यहाँ पे है जनाब, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार आदमी या छः लड़का किसी काम को बारह दिनों में, तो कहना है कि दो आदमी के साथ साथ पांच लड़का उस काम को कितने दिन में, व्हाट मैंने कर दिया, व्हाट का मतलब ये कितने दिनों में कर रहा। तो सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो, इस तरह के फॉर्मेट पर क्वेश्चन हो, इस तरह के फॉर्मेट पर क्वेश्चन हो कि चार आदमी या छः लड़के किसी काम को, चार आदमी या छः लड़के किसी काम को बारह दिनों में कर सकते हैं, तो पाँच आदमी और दो आदमी और पांच लड़के एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। जब भी इस तरह का फॉर्मेट हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार गुने छः गुने बारह लिख दो भाई। ये मैं थर्ड मेथड में बता रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, चार गुने छः गुने बारह लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिए। अब काम कराने के लिए इस आदमी को इस लड़के के साथ गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, इस आदमी को इस लड़के के साथ गुना करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो पाँच चौके बीस, छः दूनी बारह, बारह बीस कितना होगा, बारह बीस बत्तीस हो जाएगा, बत्तीस से आठ बार में, आठ डेरे बारह डेढ़ बार में, और छः डेरे नौ, नौ दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये भी बहुत लाजवाब तरीका है कि पाँच आदमी नहीं सॉरी सॉरी बार बार पाँच लिख देंगे, दो आदमी के साथ पांच लड़का उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो नौ दिनों में कर लेगा, ये भी आसान है। तो मैंने इसका तीन मैंने फॉर्मेट बनाया, तीन तरीके से मैंने बताया। इसके पहले भी मैंने बताया कि डेरा क्या करके लड़का को मैन में कन्वर्ट करेंगे, मैन को लड़के में कन्वर्ट करेंगे, और लड़के को हम क्या करेंगे आदमी में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह के मैंने बताया। एक मैंने इफिशियंसी से निकाल कर बताया, और एक मैंने इस तरह से रूल मैंने ट्रिक कह सकते हैं, इस तरह का एक ट्रिक है, उस ट्रिक का मैंने इस्तेमाल करने का काम किया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का परेशानी आपके साथ नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हो सकता है कि बड़ा हो, तो क्वेश्चन हम इसको मैं मेटात करके दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन क्या बनकर आएगा, सो देखते हैं एक बार दूसरा क्वेश्चन क्या बनकर आएगा उसको एक बार हम देखते हैं। या क्या रहेगा, जैसे लिखा रहेगा दो आदमी अथवा तीन महिलाएं अथवा चार लड़के किसी काम को बारह दिनों में कर सकते हैं, तो चार आदमी लिखिए
तथा 6 महिलाएं महिलाएं एवं एवं चार लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। इस तरह से भी रहता है क्वेश्चन, दिनों में कर सकते हैं। देखिए तो भाई यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दो आदमी या 3 महिलाएं या 4 लड़के मिलकर नहीं है, या करके दिया हुआ है, इस काम को 12 दिनों में कर लेते हैं इन लोग। यानी 2 आदमी करेंगे 12 दिनों में, या 3 औरत करेंगे 12 दिनों में, या 4 लड़के करेंगे 12 दिनों में, ये दिया हुआ है। हमको काम कराना है 4 आदमी के साथ, 6 महिलाएं के साथ, 4 लड़के के साथ को काम कराना है। सिंपल सी बात है, किसी एक को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम आप लोग रूम पर जाएंगे, रूम पर तो हैं ही आप लोग, रूम पर हैं ही, है ना, आप वहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप आदमी को लड़के में चेंज कर सकते हैं, औरत को लड़के में चेंज कर सकते हैं, या लड़का को आदमी में चेंज कर सकते हैं, या औरत को आदमी में चेंज कर सकते हैं, किसी तरह से कन्वर्ट करेंगे तो मेरा आंसर वही रहेगा, वो कभी चेंज होगा। लेकिन आप क्वेश्चन को जब देखेंगे तो अपने सहूलियत के हिसाब से ही चेंज करने का काम करेंगे, जिससे आपको परेशानी बिल्कुल ना हो। इस सारी बात मैं इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा, इसलिए परेशान नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि हम काम लड़का से कराएं, तो लड़का के बारे में कहता है कि 4 लड़का किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 1 लड़का क्या करेगा, वो 48 दिन में कर लेगा। यानी टोटल काम 48 दिन का मतलब 48 काम हो गया, 48 काम मैंने यहाँ पर रख दिया। अब चलते हैं, लड़का तो रहेगा ही, लड़का से काम करेंगे। अच्छा बताइए, 2 आदमी 4 लड़के के बराबर है, यहाँ पे देखिए बराबर है, 2 आदमी 4 लड़के के बराबर है कि नहीं है, 2 आदमी या 3 औरत या 4 लड़के। तो 2 आदमी 4 लड़के के बराबर, मैंने बोला अभी कि लड़का से मैं काम करा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि आदमी को लड़का में चेंज करेंगे, औरत को भी लड़का में चेंज करेंगे। ये रूल मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात समझिए, इसको तोड़ तोड़ कर मैं बताऊँगा। जब 2 आदमी 4 लड़के के बराबर है, अगर 4 आदमी आए काम पर तो 8 लड़के के बराबर हो जाएगा, 3 औरत 4 लड़के के बराबर है तो 6 औरत 8 लड़के के बराबर हो जाएगा। अब बताइए, इसी सबसे इसका वैल्यू इसके बराबर कर सकते हैं, और काम तो इन्हीं लोग से कराना है, ये करेंगे चाहे ये करेंगे, बात वही हुआ। तो 8 8 16 16 4 20, 20 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 5 20 मतलब 12/5, यानी 2 पूर्णांक 2/5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए हो गया आंसर, मतलब यही सब काम करेगा, ये लोग यही काम करेंगे 2 पूर्णांक 2/5 दिनों में। कैलकुलेशन करने में अगर थोड़ा बहुत त्रुटि होता है तो इस चीज़ को आप संभाल लेंगे, लेकिन मेथड मैं गलती नहीं बताऊंगा, मेथड मेरा वही रहेगा। कैलकुलेशन करने में हो सकता है कि भाग करने में गलती कर दे, एलसीएम लेने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, इस चीज़ को माइंडली आप नहीं लेंगे, उस चीज़ को सुधार देंगे। हो गया है 1-2 वीडियो में मेरे साथ हो गया उस तरह का, बहुत से बच्चे कमेंट किए थे, मैंने बोल दिया था कि भाई यहाँ पर गलती हो गया है, है ना, इस चीज़ को आप देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बन चुका है तो इसको सुधार नहीं सकते हैं। चलते बाबू यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है कि 2 आदमी या 3 औरत या 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। काम कराना है किसे, 4 आदमी के साथ, 6 औरत के साथ, 4 लड़के के साथ काम कराना है। काम तो सबके लिए वही होगा। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क 6 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 12, तो 12 × 12 लिख देंगे, 12 दिनों में काम करता है तो 12 से 12 कर देंगे। चल इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी का मतलब है कि टोटल 12 है तो 12 में 2 से भाग करें तो इसकी क्षमता, मैन की क्षमता कितना होगा, मैन की क्षमता 6, और वुमेन की क्षमता कितना होगा, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 क्षमता हो जाएगा। अच्छा बताइए, काम सबके लिए वही होगा, अगर एक आदमी की क्षमता 6 है तो 2 आदमी है तो 6 × 2 = 12, एक औरत की क्षमता 4 है तो 3 औरत है तो 4 × 3 = 12, और एक लड़के की क्षमता 3 है तो 4 को लड़का है तो 4 × 3 = 12, सब तो वही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 आदमी आया था, 6 × 6 = 24 लिख देंगे, 6 औरत हुआ था 6 × 6 = 24 लिख देंगे, और 4 लड़का है तो 4 × 3 = 12 लिख देंगे, 12 12 24 24 12 12 12 नहीं 24 24 सॉरी 24 24 48 48 12 कितना होगा, 60, 60 से भाग करेंगे तो ये लोग मिलकर के इस काम को इतने दिनों में कर लेगा।
मतलब यही हुआ, यही बनकर आया, आप देख रहे हैं, पता चल गया होगा। तो ये सब तो मैंने टोटल निकाल दिया यहाँ पे अपनी इफिशेंसी के हिसाब से कितना क्या किया, तो 12 25 60 कर देंगे, तो मतलब ये हुआ 12/5 दिन हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं इसको क्या लिखेंगे, यानी 5 × 10 दो पूर्णांक 2/5 दिन के बराबर लिख देंगे, बिल्कुल आसानी। तो ये चीज़ ये भी मैंने क्या किया कि यहाँ पे पार्टिकुलर इफिशेंसी मैन के लिए, वुमेन के लिए, एंड जो लड़के हैं बॉयज हैं उसके लिए मैंने अपने इफिशेंसी निकाल दिया, और इसी इफिशेंसी के माध्यम से मैंने मतलब कितने दिनों में कर लेंगे ये सब मिल करके, यानी 4 आदमी 6 औरत और 4 लड़के एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, जितना काम आदमी के लिए उतना ही काम औरत के लिए, उतना ही काम लड़के के लिए है, और सब मिलकर काम करेंगे तो उस सब के लिए भी काम उतना ही होगा। तो उतना काम होगा तो सब एक साथ इकट्ठे मिलकर आएगा, तो जाहिर सी बात है कि दिन ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। तो पहले जो काम 12 दिन में हो रहे थे पर्टिकुलर सब कोई कर रहा था, अगर इकट्ठे काम करेंगे लेकिन अलग अलग आदमी दिया हुआ है, औरत दिया है, बच्चे लड़के दिए हुए हैं, तो वो सब इकट्ठे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दिन ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं इसको, इसमें कन्वर्ट करके बना सकते हैं, या तो हम बॉय को मैन को हम वुमेन में चेंज कर लेंगे, या लड़का को वुमेन में चेंज कर लेंगे, या मैन को बॉय में चेंज करेंगे, अब वुमेन को या हम लोग बॉय में चेंज करेंगे, सब उसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं और इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की आपके साथ परेशानी नहीं होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसमें दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें दूसरा जो टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है, बहुत इंटरेस्टेड है। अभी मैं 8 वीडियो में बना चुका टाइम एंड वर्क से, अभी हो सकता है कि 4-5 वीडियो और मैं बनाऊंगा तब जाकर के टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है ना। लेकिन अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, किसी किसी में मिस्टेक हो गया कल क्वेश्चन करने के दौरान, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट में कर रहा हूं, तो इसलिए माइंड नहीं लेंगे, अब इस चीज़ को आप सुधार लेंगे, ठीक है ना। चलते हम लोग अगला जो इसका जो दूसरा पार्ट जो इसका टाइप जो आते हैं, इसका जो दूसरा टाइप किस तरह से पूछे जाते हैं उन पर थोड़ा हम लोग विशेष रूप से हम लोग चर्चा करते हैं। तो विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, तो क्वेश्चन को भी हम हटा देते हैं। तो क्वेश्चन हटाने के बाद में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सो हम लोग इसी के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्या रहेगा सो देखिए, क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, दो आदमी तथा 3 लड़का, दो आदमी तथा 3 लड़का एक साथ एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़का एक साथ उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। तो दो आदमी तथा 1 लड़का उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए एक कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन बनकर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है, खासतौर पर बैंकिंग एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों को परेशानी होता है। तो इसी परेशानी को हम क्लियर करने के लिए मैंने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने डाला, यानी बोर्ड पर एक क्वेश्चन मैंने डाला, उस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है, किन तरीके से बनाना है, किसको आसान करना है, कलम कॉपी इस्तेमाल कहाँ करना है नहीं करना है, इन सारी बातों के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा। मैं बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, उसमें कोई लापरवाही बिल्कुल आप नहीं करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है हम कैसे बनाते हैं, मेरा बनाने का तरीका क्या है, सो आप ध्यान से देखिए मेरा बनाने का तरीका क्या है। उस तरह से सबके साथ होना चाहिए, मैं क्या करता ऑनलाइन एग्जाम में, काम किसे कराना है, 2 आदमी 1 लड़के सब। देखिए एकदम बिल्कुल दिमाग एकदम कॉन्स्टेंट रखिए, एकदम फ्रेश दिमाग रखिए, एकदम बिल्कुल सारी बात आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही दिलचस्पी वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा है,
कितनी बार क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया, इस तरह का मतलब है सिर्फ इसमें डिजिट को चेंज करने का, बाकी सब मैटर वही रहता है। चलिए, दो आदमी तीन लड़का मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, अच्छा दो आदमी 10 दिन है तो एक आदमी 20 दिन, तो एक दिन में 20 आदमी हो गया। तो हम ऐसे गुणा करेंगे 10 दूनी 20, तो 20 आदमी इधर हो गया, यहाँ आदमी को लेकर चलते हैं, 3 आदमी 8 दिन, तो 8 3 24, इधर 24 आदमी है और उधर कितना है 20 आदमी है, अंतर कितना हुआ 4 आदमी, यहाँ लिखेंगे 4 मैन। अब इधर आइए, अब लड़का क्यों दिए 10 3 31 लड़का और 8 2 16 लड़का, अंतर कितना हुआ 14 लड़का। मतलब ये हुआ कि जो काम ये 4 दिनों में कर सकता है ये लड़का करेगा 14 दिनों में, हट गया। एक आदमी 4 दिनों में करेगा वही काम, लड़का 14 दिनों में करेगा, क्या डेज आ गया। और डेज को मैं क्या किया, इफिशियंसी में लाया, तो इसकी क्षमता 7, इसकी क्षमता 2 हो जाएगा। देखिए काम पहले जितना है उतना ही काम तो अभी भी है, पहले जितना काम है उतना ही काम अभी भी है। तो भाई यहाँ पे देख लेंगे कि दो आदमी है तो एक आदमी की क्षमता 7 है, तो दो आदमी है तो 7 2 14 उसके साथ में है, तथा मतलब उसके साथ, या का मतलब दोनों में से कोई एक व्यक्ति कर सकता है। एक लड़का की क्षमता 2 है, 3 लड़का उसके साथ आया, 3 2 6 तो 14, 7 2 14 3 2 6 14 6 20, 20 मेंबर 10 दिन में काम किया। अब काम किन लोगों से कराना है, तो दो आदमी के साथ साथ, यहाँ पे थोड़ा थैली से लिखिए थोड़ा जगह को लेकर के, दो आदमी के साथ साथ एक लड़का से काम कराना है, ठीक है। तो 7 2 14 और 2 इकाई 2 14 2 16, 4 पचे कर दीजिए, 4 पचे 4 चौके 4 अढ़ाइए 2 अढ़ाइए 12.5, 2 अढ़ाइए 12.5 नहीं होता है, 5 अढ़ाइए 12.5, 12.5 दिन में कर लेगा। देखिए ये लोग कर लेगा, इन्हीं लोगों से काम कराना है, मतलब दो आदमी के साथ साथ एक लड़के से काम कराना है जो 12.5 दिन में कर लिया। तो सबसे पहले जो हमने जो इफिशियंसी निकालने का काम किया, तो ये चीज़ बहुत मैटर लगता है। आप उसी को लिखने के लिए आप लोग ऐसे लिखते हैं क्या करते हैं, दो आदमी के साथ साथ 3 लड़का किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो दो आदमी के साथ साथ 3 लड़का उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो यहाँ 10 2 20 मैन लिखेंगे, 10 3 31 लड़का लिखेंगे, 8 2 16 मैन लिखेंगे, 8 3 24 बॉय लिखेंगे, यहाँ मैन को मैन के साथ करेंगे, बॉय को बॉय के साथ करेंगे, तो अंतर करेंगे तो 4 मैन बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, 8 3 24 वही चीज़ मैंने लिख दिया, 3 है यहाँ पे 2 है, तो 8 3 24 लिखना चाहिए, 24 यहाँ पे 8 2 16 बॉय हो सकता है, यही मिस्टेक हो गया होगा मेरे द्वारा, बहुत तेज़ी से जो पढ़ा रहे थे मिस्टेक हो गया होगा, तो वही थोड़ा बहुत गलती हो गया होगा, ठीक है ना। तो 20 में से 24 घटाएंगे तो अंतर -4 होगा, इसमें घटाएंगे तो -14 होगा, -14 कैंसिल तो 14 लिखेंगे, बॉय लिखेंगे। आप ही बताइए एक मिनट के लिए, 4 आदमी जितना काम करते हैं उतना 14 लड़का मिलकर काम किया, मतलब है तो अगर एक आदमी से काम कराएंगे तो 4 दिन में करेगा, एक लड़का से काम कराएंगे तो 14 दिनों में करेगा। तो अब ये क्या हो गया, सबको मेंबर को डेज में चेंज किए और डेज को इफिशियंसी में चेंज करेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम का मतलब होगा जो भी हो, इसका एलसीएम कितना आएगा 7, इसका एलसीएम 42 का मतलब 28 होगा, 28 का मतलब 28 का मतलब 2, तो मतलब इसको रिड्यूस करेंगे 2 बार में, इसको 7 बार में, 7 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो इफिशियंसी निकल गया। अब इफिशियंसी निकालने के बाद में तब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालने का काम करेंगे। मतलब ये हुआ जितना काम ये उतना ही काम इसके लिए होगा, तो जितना काम ये है उतना ही काम तो यहाँ भी है, दोनों काम आपस में क्या है बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जब मेरी क्षमता निकल लगा, मैंने पहले बोल दिया था इफिशियंसी निकल लगा, तो काम मेरे लिए बिल्कुल आसान होगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि एक आदमी की क्षमता कितना 7 है, अब 2 आदमी आया तो 7 2 14 तो 14 है, उसके साथ साथ में 3 लड़का है तो लड़का की क्षमता 2 है, एक लड़का की क्षमता 2 है और 3 आया था 3 2 6 तो 14 6 कितना हो गया 20, तो 20 गुने कितना करेंगे 10, तो टोटल काम हो गया, टोटल काम कितना हुआ 20 गुने 10। और यही काम हम लोग को इन लोगों से कराना है, यानी दो आदमी के साथ एक लड़का के साथ से काम कराना है।
तो आदमी की क्षमता 7, 7 × 14, लड़का की क्षमता 1 × 2 इकाई 2, तो 14 × 2 = 16, 16 से काम करेंगे तब अब इसको 4 से कटेंगे, 5 बार में 4 से कटेंगे, 4 बार में 4 से 4 आ रही है कितना होता है 10 होता है, 5 आ रही है 12.5 दिन में काम को ये लोग मिलकर कर देगा। तो मेरे समझ से जो ये चीज़ मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने लिखने की इफिशियंसी लिखने का काम किया यहाँ पे किया, वो चीज़ हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में हम इतना नहीं लिख करके हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, और इतना भी ना लिख करके अपने दिमाग है ना, इतना बड़ा दिमाग है, इतनी बात सोचते हैं, इतना बात हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, मतलब है कि 20 साल 25 साल मतलब है 40 साल पुराना बात मेरे दिमाग में रहता है, तो ये चीज़ हमको दिमाग में नहीं आ सकता है कि 2 आदमी 3 लड़के हैं तो यहाँ पे करेंगे 10 × 2 = 20, यहाँ पे 8 × 3 = 24, अंतर 4, 4 आदमी का काम आदमी 4 के बराबर करेंगे तो 4 आदमी मतलब 1 आदमी 4 दिन में कर लेगा, मतलब ये हुआ। और 30 यहाँ पे देखेंगे लड़का को 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, अब 30 में से 16 घटाएंगे तो क्या 14, यानी कि 14 आदमी लड़का के बराबर हो गया, तो एक लड़का 14 दिन में करेगा जो काम, मतलब है लड़का 4 दिन में कर सकता है वही काम आदमी 4 दिन में कर सकता है वही काम लड़का करेगा 14 दिन में, इसको रिड्यूस करेंगे 2 बार में, इसको रिड्यूस करेंगे 7 बार में, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी क्षमता निकल लगा, और क्षमता निकल गया तो मेरा काम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी पर आधारित जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है उसमें आता है फिर छोड़ देता है फिर आता है फिर छोड़ देता है, उन सारे क्वेश्चन के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो में बने रहेंगे, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप क्वेश्चन को समझेंगे जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप मुझे कॉमेंट करेंगे, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम तब उसके अकॉर्डिंग को हम लोग क्वेश्चन वीडियो डालेंगे उस पर हम लोग तर्क वितर्क करेंगे, ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।